मेरे कहने पर आंखें खुलेगा। आंखें खोलिए। अरे अरे आंसू मत भागेगा, आईलाइनर निकल जाएगा। ठीक है, लो भाई हो गई छोटू तैयार। तो कभी देखा है आपने सरिता का ये रूप? नहीं, ये है राज के सरद। एक बात कहूं, आज आप दिव्या से कई ज्यादा सुंदर लग रही हैं। ये तारीफ मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आप जानती हैं आपकी क्या जगह है मेरी जिंदगी में? अरे राज, अरे बेटा, सरिता कितनी देर लगेगी तुम्हें तैयार होने में? बाप रे बाप, इतनी सुंदर थी मेरी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था गुलाब सा खिल रही है। अच्छा चलो चलो, जल्दी देर ना करो, जाना है, आ जाओ दोनों तैयार हो गए। वैसे विक्रांत का भी यही हाल होगा, आज आप पर से नजरें हटेंगी नहीं उसकी। सरिता जी, आप रोनी सूरत बनाई खाए बैठे हो? उठाओ फाइल और जाओ नौकरी ढूंढने। मिले तो ही आना, तो ये रोटी नहीं मिलने वाली तुम्हें। नहीं तो सॉरी, वो जब भी मिलती है कुछ ना कुछ गलत ही होता है। नहीं, वो नौकरी से तो निकलवा दिया आपने, अब क्या आप इस घर से भी निकलवाना चाहती? आई एम रियली सॉरी, वो मुझे सच में गलतफहमी हो गई थी। वो आप रोहन नहीं है, लेकिन यकीन मानिए वो बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा दिखता है। अब देखिए, अगर आप उस शॉप में दोबारा नौकरी करना चाहते हैं तो आप वहां चले जाइएगा। मैंने उस शॉप के मालिक से बात कर ली है। आई एम रियली सॉरी। Congratulations. Thank you. Daddy. क्या देख रहे हो? क्या? Daddy आप बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you. Daddy, मैं सबको welcome करके आऊं। Okay. छोटे नवाब कैसा है? अच्छा हूँ। हाय राम, छचंद्री के भाग तो बहुत बढ़िया है, कुबेर के घर में रिश्ता जोड़ा है। अब खुला कल भी पड़ा ताला। अरे कुबेर से नाता जोड़ेंगे तो हमारे तीनों बेटियों की किस्मत बदल जाएगी। हाँ
देखा, विक्रांत की नजर हटी नहीं रही आप पर से। देखा कितनी खूबसूरत लग रही है आप मेरी चॉइस में। हमने वो लाल वाली पसंद की थी, लेकिन ये पसंद मेरी है। कल सगाई में आपको इसी डिजाइनर सूट में देखूंगा। मेरी पसंद को नापसंद कर दिया सरता ने। मैंने जो एंगेजमेंट के लिए ड्रेस पसंद की थी उसकी जगह राज की पसंद को अपनी पसंद बनाया, वो भी मुझसे सगाई करते हुए। आइए। हेलो। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आप तारीफ कर रहे हैं? आप तारीफ ही कर रहा हूं। ये सब कुछ राजी की वजह से है, उन्होंने मेरे तैयार होने में मदद की है। बड़े छुपे रुस्तम हैं आप, ये हुनर भी है आप में? जी आपसे ज्यादा हुनर नहीं है। वो तो है। दीदी आपको रोहन फिर से तो नहीं दिख गया? मुन्नी वो रोहन नहीं है, वो उसका हमशक्ल है। उसका नाम गुरु है। बेचारा बहुत ही सीधा साधा लड़का है। किस लड़के के बारे में बात चल रही है? अब वो माँ कुछ नहीं, बस ऐसे हम। वो लड़का देख, वो जो कोने में खड़ा है, बता कैसा लगा तुझे? क्यों माँ, क्या खास है उस लड़के में? अरे रईस खानदान का लड़का है वो, और मैंने किसी से कह दिया उसके बारे में जानकारी दे और आगे बात चलाए। मुझे तो बहुत पसंद है सिला के लिए। माँ हम यहाँ भाभी की सगाई के लिए आए, मेरे रिश्ते के लिए नहीं। क्या करेंगे आप? अरे मुझे क्या लेना देना उस छछुंदरी की सगाई में है? अरे मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घर के रईस खानदान के लड़के आएंगे, और हो सकता है उनमें से कोई तुझे पसंद कर ले। बड़ी आई भाभी की ननद। चलो मुन्नी बबली मेरे साथ चलो, हाथ बटवाओ। आओ लड़की को छेड़ता है ये लीजिए आपका दुपट्टा। घर में बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ना, भाई की कमाई पे ऐश करता, भगवान जाने मुफ्त की रोटी पता नहीं कैसे उतर जाती है। I hope कुछ कमी नहीं रहेगा इस पार्टी में। जी नहीं। देखिए शहर की सारी बड़ी हस्तियां मौजूद है इस पार्टी में। आपके पास पैसा है, ताकत है, जाहिर सी बात है आपका दबदबा होगा, लोग डरते हैं आपसे, लोगों को तो आना ही है। आपके कहने का मतलब है कि लोग सिर्फ मेरे डर के वजह से इस पार्टी में आए? लेकिन यहाँ एक इंसान है जो मुझसे डरता नहीं और मेरा कहा ना मानने की गलती भी कर सकता है। कौन? आप। सगाई के लिए क्या पहनना था वो मैंने डिसाइड किया था, लेकिन आपने वो पहना जो राज को पसंद है। वो मैं। मुझे ना ना सुनने की आदत है और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्या मैं इस गुस्ताखी की वजह जान सकता हूं? नाइस पार्टी यार। थैंक यू। अरे तुम्हारा हाथ खाली है, एक मिनट। हा वेटर प्लीज। थैंक यू। नहीं एनीवे। हाँ चीयर्स।
डैडी एक मिनट चलो ना। क्या हुआ? डैडी चलो ना एक मिनट। एक्सक्यूज मी। राज जी, आपको विक्रांत जी का बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है सरिता जी, सब ठीक हो जाएगा। नए लोग हैं ना, नए रिश्ते। डैडी नानी क्यों नहीं आए हमारी मामा को मिलने? आ रही हैं, फोन किया है, गाड़ी भी भेजी। डोंट वरी माय लिटिल प्रिंस। थैंक यू डैडी। चल डैडी हम मम्मा से मिल के आते हैं। चलो। क्या बात है विक्रांत जी, सगाई में बार बार रुकावट क्यों आ रही है? मुहूर्त बीता जा रहा है, कहीं आपने मन तो नहीं बदल दिया? एक बार विक्रांत सूर्यवंशी जो ठान लेता है तो उसे करके दिखाता है, किसी भी कीमत पर। मेरे मन और मेरे इरादे को कोई बदल नहीं सकता। कोई रुकावट नहीं, बस किसी का इंतजार। मेरे स्वर्गीय पत्नी की मां यानी कि अभी की नानी का, कुछ ही देर में वो आ जाएंगी और हम शुरू कर देंगे। वो क्या है ना, मेरे परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग है नहीं, और इन सब बातों में बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है ना? सही कहा आपने विक्रांत, सगाई की रस्म अभिमान की नानी मां के आने के बाद ही शुरू होगी। और विक्रांत आई एम रियली इंप्रेस्ड कि आपने अपनी स्वर्गीय पत्नी की मां के साथ अभी तक मां जैसा रिश्ता ही रखा है। अभी उनसे बहुत अटैच्ड है, वो यहां कम ही आती है क्योंकि यहां आने से उनके बेटी की यादें ताजी हो जाती है। बस इसी की जिद की वजह से आ रही है आज। उसमें ये देखो आपकी नानी माँ का ही फोन है। एक्सक्यूज मी। शो जी। हेलो। जो बीवी भगवान को प्यारी हो गई उसकी माँ से आज भी इतना प्यार है ना, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा। राज बेटा कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए तेरी पत्नी के साथ, कुछ ना कुछ बड़ा भयंकर होने वाला है। माँ तू समझी नहीं ना विक्रांत को अभी तक, आज भी वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी की माँ की इज्जत करता है और ये उनका बड़प्पन है। तू तो भोला भंडारी है, तू नहीं समझेगा। बिचारी सरिता के भाग में सास लिखी है। अब देख विक्रांत की माँ नहीं थी तो सोतन की माँ सास बन के आ गई और सोतेली सास। हे भगवान, बिचारी सरिता की कुंडली में तो सास योग लिखा ही है। माँ हर माँ तेरे जैसी सास नहीं होती। अब तू अपना और सरिता का रिश्ता देख, तू गरम तेल वो हरी मिर्च, पर अब तू देखना ये रिश्ता भी बदलने वाला है। सरिता जी उनका भी दिल जीत लेगी जिस तरह तेरा जीत लिया है। सास सास होती है बेटा, तू नहीं समझेगा। जिस सास के लिए विक्रांत का रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए था उसके लिए विक्रांत की सांसें अभी तक रुकी हुई है। अब तो समझ जा बेटा, तू समझ जा। सरिता की जिंदगी में बड़ी टेढ़ी सांस आने वाली है। डियर गर्ल, जब तक नानी मां नहीं आती तब तक मैं अपनी मामा के लिए गाना गाऊंगा।
जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो आ गई, मेरी बेस्ट नानी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम माय नानी मिसेस वंदना टुबे। आजा मेरा बेटा। लुकिंग सो हैंडसम बेटा। मॉम कैसी हैं? बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मॉम। आइए ना, आपको सबसे मिलाता हूं। आइए। सरिता प्लीज कम हियर। आप हमारी शीला की परवाह मत कीजिए। कभी किसी कौवे के श्राप से कोई गाय मरी नहीं है। आपके बेटे का कभी पुनर्विवाह नहीं होगा। मॉम यह है सरिता, मेरे होने वाली फियांस। और सरिता यह है अभिमान की नानी। मॉम हम दोनों को आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। What's wrong with you? Please. जीते रहो बेटा। विक्रांत बेटा, सगाई की रस्म होने से पहले मैं तुम्हारी होने वाली मंगेतर से जरा बात करना चाहती हूं। मैं जरा परखना चाहती हूं कि जो मेरी स्वर्गीय बेटी की जगह लेने वाली है वो कैसी है।